18 फरवरी 2023 क्रिकेट की टॉप थ्री खबर आपके सामने। नंबर 3, PSL में नसीम शाह को लगा बड़ा जुर्माना। दरअसल 15 फरवरी को ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच लीग का तीसरा मुकाबला खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान टीम के युवा और तेज गेंदबाज नसीम शाह से बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके चलते उन्हें अपनी फीस का 10% जुर्माना भरना पड़ा। जब नसीम शाह मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरे तो वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स का नहीं बल्कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम का हेलमेट पहनकर खेलते हुए नजर आए। वो हेलमेट उनकी BPL की फ्रेंचाइजी कोमिल्ला विक्टोरियंस का था। बता दें कि PSL से पहले नसीम शाह बांग्लादेश प्रीमियर लीग का हिस्सा थे। ऐसे में जब वो PSL में बांग्लादेश के लीग का हेलमेट पहनकर बल्लेबाजी करने आए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के तहत उनको 10% मैच फीस का जुर्माना लगाया। नंबर 2, एहसानुल्ला जो उमरान और शोएब अख्तर का रिकॉर्ड चकनाचूर करने के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर को कौन नहीं जानता। शोएब अपनी रफ्तार के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। हालांकि शोएब के बाद भी पाकिस्तानी टीम में कई ऐसे तेज गेंदबाज आए जिन्होंने अपनी रफ्तार का खेल दिखाया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे एहसानुल्ला की बात ही कुछ और है। 6 फुट से भी अधिक लंबे एहसानुल्ला को अभी पाकिस्तान के नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि वो भविष्य में शोएब अख्तर से भी अधिक तेज गेंदबाजी कर सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रजाक ने अपने एक बयान में कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के बाद नेशनल T20 कप में मैंने एहसानुल्ला को देखा। मैं उसकी गेंदबाजी से बहुत प्रभावित हुआ। अगर हम उस पर काम करते हैं और वो अपनी फिटनेस पर काम करता है तो मुझे यकीन है कि वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार छू सकता है। एहसानुल्ला ने अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी का ट्रेलर पाकिस्तान सुपर लीग में दिखाया है। एहसानुल्ला ने इस लीग के इतिहास में सबसे तेज गेंदबाजी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने 16 फरवरी को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च करके 5 विकेट अपने नाम किए। इतना ही नहीं, एहसानुल्ला ने जिस गेंद पर सरफराज अहमद को आउट किया उसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ऊपर की थी। नंबर 1, डेविड वार्नर के सिर पर लगी सिराज की बाउंसर। दिल्ली टेस्ट से हो गए बाहर। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 10वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद वार्नर के हेलमेट पर लगी थी। इससे पहले उनकी गेंद वार्नर की कोहनी पर भी लगी थी। हालांकि इस चोट के बाद भी वार्नर खेलते रहे। बाद में वो 15 रन बनाकर शमी की गेंद पर आउट हुए। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम गेंदबाजी के लिए आई तो वार्नर फील्डिंग करने नहीं आए। वार्नर पूरी तरह फिट महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसे में डेविड वार्नर को खेल से बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह मैट रेनशो पारी को संभालेंगे। मैट रेनशो एक अच्छी पारी खेलकर टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। डेविड वार्नर के लिए इस टेस्ट सीरीज में वापसी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। क्रिकेट से जुड़ी टॉप खबर हर रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।